बिग बॉस के विजेता को मिलता है करोड़ों का इनाम और फिर ढेर सारी कमाई के ऑफर्स। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके अलावा भी घर के इस खेल में हिस्सा लेने वाले तमाम पार्टिसिपेंट ढेर सारा पैसा कमाते हैं। कई बार तो विनर से भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं बिग बॉस के ये खास कंटेस्टेंट। तो इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 उन सेलिब्रिटीज के बारे में बताते हैं जिन्हें बिग बॉस के घर में आने के लिए दी गई भारी भरकम फीस। नंबर 1 पमेला एंडरसन। जी हाँ, नंबर 1 पर है पमेला एंडरसन। बिग बॉस के सीजन 4 में पमेला महज 3 दिनों के लिए बतौर गेस्ट आई थी, लेकिन कहा जाता है कि इन 3 दिनों के लिए ही पमेला को सीजन के विनर से भी ज्यादा रकम पे की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पमेला को घर में हर दिन के हिसाब से लगभग 80 लाख रुपए पे किए गए, यानी 3 दिन के लिए पमेला को मिले लगभग 2.5 करोड़ रुपए। वैसे हालांकि पमेला को पे की गई इतनी बड़ी रकम का फायदा भी बिग बॉस को मिला और बिग बॉस की TRP अचानक से आसमान को छूने लगी। नंबर 2 शीर्षत। बिग बॉस 12 में शीर्षत बिग बॉस का खिताब जीतते जीतते रह गए, फिर भी उन्होंने विनर बने दीपिका सिंह से ज्यादा पैसे कमाए। शो में नंबर 1 पर रहने वाले शीर्षत को बिग बॉस में रहने के लिए हर वीक के हिसाब से 50 लाख रुपए पे किए गए, और अगर आप शीर्षत के कुल हफ्तों का हिसाब लगाएंगे तो शीर्षत बिग बॉस के घर से अपनी पूरी टर्म के दौरान कमा गए 7.5 करोड़। जी हाँ, शीर्षत बिग बॉस के घर में कुल 15 हफ्ते रुके थे और उन्होंने खूब जमकर कमाई की। नंबर 3 हीना खान। तीसरे नंबर पर अब तक की सबसे महंगी कंटेस्टेंट हीना खान को माना जाता है। हालांकि ये तो मालूम नहीं है कि हीना खान को बिग बॉस 11 में पार्टिसिपेट करने के लिए कुल कितने पैसे मिले, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें सीजन विनर शिल्पा शिंदे के मुकाबले कई गुना ज्यादा फीस सिर्फ गेम में बने रहने के लिए दी गई थी। नंबर 4 रिमी सेन। कभी फिल्मों में टॉप की एक्ट्रेस रही रिमी सेन जब फिल्मी दुनिया को छोड़कर बिग बॉस के घर में आई तो उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिली। बिग बॉस के घर में सिर्फ 50 दिन रहने के लिए ही रिमी को मिले 2 करोड़ रुपए, यानी हर दिन के हिसाब से रिमी को 2 लाख की फीस बिग बॉस के घर में पे की गई। नंबर 5 तनिषा मुखर्जी। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस काजोल की बहन तनिषा ने जब बिग बॉस के घर में आने का फैसला किया तो उन्हें भी अच्छी खासी रकम ऑफर की गई। बिग बॉस के मेकर्स ने उन्हें हर हफ्ते 7.5 लाख रुपीस पे करने का प्रॉमिस किया। तनिषा शो में कुल 10 हफ्ते रुकी और इस तरह वे बिग बॉस के घर में 75 लाख रुपीस कमाने वाली बन गई।